महाभारत दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथों में से एक है। इस महाकाव्य में ऐसी बहुत सी कहानी है जो आज भी कई लोगों के लिए रहस्य बनी हुई है। ऐसी ही एक कहानी थी द्रौपदी की, एक महिला पात्र जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। जिस तरह से आज दुनिया में सबूत मिल रहे हैं जो ये साबित करते हैं कि महाभारत कोई काल्पनिक कथा नहीं बल्कि शत प्रतिशत सत्य है, इसी आधार पर आज हम आपको महाभारत के एक सबसे महत्वपूर्ण किरदार यानी देवी द्रौपदी के जीवन से जुड़ी उन सच्चाई के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में आज से पहले शायद ही किसी ने सुना होगा। यकीन मानिए जानकारी काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम द्रौपदी के बारे में जान लेते हैं। द्रौपदी राजा द्रुपद की बेटी थी जो साक्षात इंद्राणी के अंश का अवतार थी। द्रौपदी के अन्य नाम पांचाली और कृष्णा है। द्रौपदी के जन्म के बारे में बड़ी लोक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उनके जन्म के बारे में मूल सत्य ये है कि राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से अपना प्रतिशोध लेने के लिए यज्ञ किया और उसी यज्ञ से उन्हें पुत्री कृष्णा यानी कि द्रौपदी और पुत्र धृष्टद्युम्न की प्राप्ति हुई थी। बाद में युवावस्था में उनका विवाह एक शर्त के अनुसार रखा गया था। शर्त बड़ी आसान थी कि जो सिर्फ पानी में देखकर मछली की आंख पर निशाना लगा देगा उसी से द्रौपदी का विवाह किया जाएगा। सौभाग्य से उसी समय पांडव यानी कि पांचों भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव अपना अज्ञातवास काट रहे थे। उसी समय वो अपनी माता कुंती से आशीर्वाद लेकर भोजन की तलाश में निकले थे और किसी तरह से वो उस महोत्सव में पहुंच गए जहां उन्होंने देखा कि बड़े बड़े महावीर और दुष्ट मानसिकता वाले लोग प्रतियोगिता जीतकर द्रौपदी को पाना चाहते थे। द्रौपदी की सुंदरता का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी सुंदरता वाकई में अद्वितीय थी। अर्जुन ने प्रतियोगिता जीतकर द्रौपदी से विवाह किया, लेकिन वो जैसे ही जंगल में अपनी कुटिया में गए तो उनकी माँ पूजा कर रही थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि अर्जुन शादी करके आया होगा। अर्जुन ने अपनी माँ से कहा कि देखो माँ, मैं क्या लेकर आया हूँ। इस पर माता कुंती ने पूजा में विघ्न ना हो इसीलिए सिर बिना घुमाए ही बिना देखे ही कह दिया कि बेटा जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बराबर बराबर बांट लो। इतना सुनकर तो सबके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई हो। बाद में जब उन्हें सच पता चला तो ये सच उनके लिए भी पाप हो गया। बाद में राजा द्रुपद के यहाँ सभी महान गुरुओं और ईष्ट को बुलाया गया जहाँ गुरुओं की आज्ञा के अनुसार इसे नियति का फैसला माना गया और द्रौपदी को समझाया गया कि इसके पीछे विशेष कारण है और आपको ये विवाह स्वीकार करना चाहिए। बाद में द्रौपदी ने ये विवाह पांचों पांडवों के साथ में स्वीकार किया और वहीं उन्हें पांचाली नाम मिला। कुंती ये सोचकर मन ही मन बेहद दुखी हो उठती थी कि उन्होंने अपनी पुत्री समान बहू को पांच पुरुषों से विवाह करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये द्रौपदी की नियति थी, कुंती की गलती नहीं। ऐसे ही एक बार जब कुंती बहुत दुखी महसूस कर रही थी और उसी समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने कुंती को समझाया कि वास्तविक सत्य क्या है। श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी का पांच पुरुषों से विवाह होना नियति का हिस्सा था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है कुंती। उन्होंने कहा कि द्रौपदी ने पिछले जन्म में घनघोर तपस्या की थी और उन्होंने ईश्वर से वरदान मांगा कि उसे पांच गुणों वाला पति चाहिए। चूंकि वो पांच गुण किसी भी एक पुरुष में संभव नहीं थे इसीलिए उसे पांच पति प्राप्त हुए हैं। ये विधि का विधान है। द्रौपदी ने एक ऐसे पति की कामना की थी जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, धार्मिकता, सबसे मजबूत, आकर्षक और धैर्य का निर्धारक प्रतीक हो। इन सभी गुणों के साथ किसी पुरुष को ढूंढना असंभव था इसीलिए उसे अगले जन्म के लिए पांच पतियों का आशीर्वाद मिला था और इस प्रकार कृष्ण ने कुंती का दुख दूर किया। इस तरह द्रौपदी पांचाली यानी कि पांच पतियों वाली इकलौती पत्नी बनी। हालांकि शुरुआत में द्रौपदी तैयार नहीं थी पर बाद में गुरुओं का आशीर्वाद मानकर उन्होंने ये स्वीकार किया। द्रौपदी को पांचों पांडवों से एक एक पुत्र प्राप्त हुआ। द्रौपदी के पांच बेटे थे प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, सत्नेका और श्रुतसेन। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि द्रौपदी के जन्म के बारे में भी एक लोक कथा प्रचलित है। असल में शुरुआत में जब द्रौपदी का जन्म नहीं हुआ था उसी समय से गुरु द्रोण और राजा द्रुपद में काफी संग्राम हुआ और गुरु द्रोण ने अर्जुन से राजा द्रुपद को हरवा दिया। विवाह शुरू हुआ राज्य सीमा को लेकर। पांचाल के राजा द्रुपद को द्रोण की ओर से पांडव राजकुमार अर्जुन ने हराया था जिन्होंने तब उनके राज्य का आधा हिस्सा ले लिया था। इसी बदले को पूरा करने के लिए द्रौपदी का जन्म हुआ था। द्रौपदी अपने भाई धृष्टद्युम्न के बाद यज्ञ की जलती हुई अग्नि से एक बहुत ही सुंदर काली चमड़ी वाली युवती के रूप में प्रकट हुई थी। जब वो आग से प्रकट हुई तो एक स्वर्गीय आवाज यानी कि आकाशवाणी हुई और कहा कि वो भारतवर्ष के धर्म के भविष्य में एक महान बदलाव लाएगी। बाद में ये बात सत्य निकली। राजा द्रुपद के लिए द्रौपदी एक अवांछित संतान थी। चूंकि वो अपने माँ की गर्भ से पैदा नहीं हुई थी इसीलिए किसी को उनसे इतना खास लगाव भी नहीं था। वो आग से एक वयस्क के रूप में पैदा हुई थी
जिसमें उनके बचपन या किसी के पालन पोषण की कोई सराहना नहीं की जा सकती। द्रौपदी के कई नाम हैं और उनके नामों की खास बात यह है कि ये विशेष नाम उनकी विशेष विशेषताएं बताते हैं। द्रौपदी के कई नाम हैं और उनके नामों की एक खास बात भी है, और खास बात यह है कि ये विशेष नाम उनकी विशेष विशेषताएं बताते हैं। द्रौपदी महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं। बाकी के किसी भी महाकाव्य के पात्रों की तरह द्रौपदी को भी कई नामों से जाना जाता है। उनका हर नाम उनके अलग अलग गुणों में से एक को परिभाषित करता है। जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया कि द्रौपदी पांचों पांडवों से विवाह करने को तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने पांडवों से एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि पांडव किसी और स्त्री को पत्नी के रूप में इंद्रप्रस्थ नहीं ला सकते, यानी कि वो कभी भी अपने घर को किसी अन्य महिला के साथ शेयर नहीं करेंगे, जिसका अर्थ था कि पांडवों को अपनी अन्य पत्नियों को इंद्रप्रस्थ लाने का कोई अधिकार नहीं था। इसी वजह से पूरे महल में पांडवों की पत्नी के रूप में सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी ही थी। विवाह के बाद जब द्रौपदी पांडवों के साथ अपने निवास स्थान पर आईं, तब उन्होंने पांडवों से एक और शर्त रखी। उन्होंने कहा कि उनके साथ एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति साथ में रह सकता है, अर्थात उन्होंने कहा कि वो एक समय में एक पांडव के साथ में रहेंगी। जो भी पांडव उनके कमरे में आएगा वो अपनी पादुकाएं यानी कि चप्पल बाहर उतार कर आएगा, ताकि बाद में कोई अन्य पांडव आए तो उसे बाहर से ही पता लग जाए कि कमरे में पहले से ही कोई और है। द्रौपदी ने यह प्रतिज्ञा की कि पांडवों में जो भी इस नियम को तोड़ेगा उसे जंगल में रहना पड़ेगा। एक बार युधिष्ठिर और द्रौपदी कमरे में थे और युधिष्ठिर ने अपनी पादुकाएं कमरे के बाहर उतारी थी, लेकिन कहीं से एक कुत्ता आया और उसने युधिष्ठिर के पादुकाएं वहां से कहीं और हटा दी। दुर्भाग्य से उसी समय अर्जुन द्रौपदी के कमरे में आ रहे थे और उन्होंने कमरे के बाहर किसी के जूते नहीं देखे तो वो कमरे के अंदर चले गए। अंदर पहले से ही युधिष्ठिर और द्रौपदी मौजूद थे, जिससे द्रौपदी की प्रतिज्ञा टूट गई और अर्जुन को जंगल में जाकर रहना पड़ा। इस बात की सच्चाई जब बाद में द्रौपदी को पता चली तो उन्होंने कुत्ते को श्राप दिया कि आज से दुनिया तुम्हें सार्वजनिक रूप से संभोग करते हुए देखेगी, तब तुम्हें लज्जा का एहसास होगा। और माना जाता है कि तभी से कुत्ते कहीं भी संभोग करने लगते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कहीं कहीं ये भी मान्यता है कि द्रौपदी काली का रूप थी। भारत के दक्षिण भारत क्षेत्र में ये आम धारणा है कि द्रौपदी महाकाली का अवतार थी। माना तो ये भी जाता है कि उनका जन्म सभी अभिमानी राजाओं को नष्ट करने के लिए और भगवान कृष्ण की सहायता के लिए हुआ था, इसीलिए उन्हें भाई बहन माना जाता है। हालांकि द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था। माना जाता है कि द्रौपदी पंच कन्याओं में से एक हैं, अर्थात उन्हें पांच कुवारी के रूप में माना जाता है। द्रौपदी अपने पति के पास जाने से पहले अपने कौमार्य और पवित्रता को वापस पाने के लिए आग के ऊपर से चलती थी। इससे पहले इस तरह के नियम को कभी भी नहीं माना गया था। हालांकि पांडवों की अन्य पत्नियां भी थीं, लेकिन ये पत्नियां अपने माता पिता के साथ रहती थीं और वो चार साल में अपने पत्नियों से मिलने के लिए उनके पास जाते थे। तो ये थी द्रौपदी के जीवन से जुड़ी वो सच्चाइयां जिससे आज तक सभी अनजान रहे। हालांकि द्रौपदी ने महाभारत को रचने में खास भूमिका निभाई, जिसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।